चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड्स ए एंड बी ऑफ ग्राउंड वेयर ए बी इज इक्वल टू स्मॉल ए। द बॉय एट बी स्टार्ट्स रनिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी विथ वेलोसिटी वी वन। द बॉय एट ए स्टार्ट्स रनिंग सिमल्टेनियसली विथ वेलोसिटी वी एंड कैचेस अदर बॉय इन टाइम टी वेयर टी इज टी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट यहां पर है, एक बच्चा यहां है ए और दूसरा बच्चा बी पे है, ठीक है, और ये डिस्टेंस ए और बी के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल ए। अब ये बी बच्चा दौड़ रहा है, बी के बारे में कह रहा है ना, बी स्टार्ट्स रनिंग इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी। अज्यूम करो ये बच्चा इधर दौड़ना शुरू किया, किस वेलोसिटी से? बी वन वेलोसिटी से चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया इधर। और द बॉय स्टार्ट रनिंग सिमल्टेनियसली उसी वक्त दूसरा ए वाला बच्चा इधर चल रहा है इस वेलोसिटी से। मान लो ये दोनों यहाँ पर पहुँच गए, तो बी को भी टाइम टी लगेगा, उसी वक्त ये भी चल रहा है तो जब ये कैच करेगा इसको तो उसमें उसको भी टाइम टी लगेगा, करेक्ट है, सही है। तो सबसे पहली बात ये डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस कितनी होगी? वेलोसिटी वी टाइम टी डिस्टेंस कितना होगा? अगर इसको एस वन मान लिया जाए तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू वेलोसिटी। इधर की डिस्टेंस एस टू मान लो, एस टू की वैल्यू कितनी होगी? वी वन इंटू टी, तो ये 90 डिग्री के परपेंडिकुलर चल रहा है। हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना होगा? ये एस वन का स्क्वायर, बेस कितना है ये ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है एस टू का स्क्वायर। एस वन की वैल्यू कितनी है? वी टी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एस टू की वैल्यू वी वन टी का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, वी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर टी स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन ले लो, वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, करेक्ट है। तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर टी इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। या कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।